नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC विद HSM में। जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा एडमिशन सेशन 2020 से 2021 के अंतर्गत आचार्य प्रथम वर्ष के विभिन्न पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि एक बार पुनः बढ़ा दी गई है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर की ऑफिशियली वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे हम वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2020-21 पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के दौरान इम्पोर्टेंट लिंक्स के अंतर्गत आचार्य प्रथम वर्ष में आवेदन पत्र प्रवेश शुल्क के साथ आवेदन प्रक्रिया आरंभ दिनांक आवेदन शुल्क अतिरिक्त 26 दिसंबर 2020 सशुल्क आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2021 ₹100 विलंब शुल्क के साथ आवेदन पत्र सशुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2021 ₹500 विलंब शुल्क के साथ आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि है 25 जनवरी 2021 ऐसे सभी कक्षाओं में पूर्व में आवेदन पत्र जमा किए हुए छात्र जो किसी कारण COVID-19 एवं अन्य से फी जमा नहीं कर सके, उसके लिए 500 विलंब शुल्क के साथ अंतिम तिथि 25 जनवरी 2021 निर्धारित की गई है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आचार्य प्रथम वर्ष में आवेदन की जो प्रक्रिया है 26 दिसंबर 2020 से प्रारंभ की जा चुकी है और अंतिम तिथि की अगर हम बात करें तो यहाँ 15 जनवरी 2021 निर्धारित की गई है सशुल्क आवेदन पत्र जमा कराने की। ₹100 विलंब शुल्क के साथ हम 20 जनवरी 2021 और ₹500 विलंब शुल्क के साथ हम 25 जनवरी 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। और ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में COVID-19 या अन्य किसी कारण से फीस जमा नहीं करा पाए, तो ऐसे अभ्यर्थियों को भी यहां पर अंतिम अवसर दिया गया है ₹500 विलंब शुल्क के साथ, ये भी 25 जनवरी 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। एडमिशन सेशन 2020 से 2021 शास्त्री अप्लाई ऑनलाइन, दिए गए लिंक पर क्लिक करके SSO के माध्यम से हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फीस जमा कराने के लिए अभ्यर्थियों को पे फीस ऑनलाइन पर क्लिक करके फीस जमा करा सकते हैं। और एडमिशन सेशन 2020 से 2021 यूजर मैनुअल फॉर स्टूडेंट्स टू फिल ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म जमा करने के लिए अभ्यर्थी इस यूजर मैनुअल जो वीडियो है इसका अवलोकन अवश्य करें। और इसी के साथ में वीडियो मैनुअल फॉर पेइंग एडमिशन फीस फॉर JRRSU फॉर 2020 से 2021 जो वीडियो मैनुअल है इसका भी अवलोकन अवश्य करें। इसके संदर्भ में भी हमने पूर्व में एक वीडियो बना लिया है, उसका अवलोकन आप अवश्य करें ताकि फीस जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही उपलब्ध करा दिया गया है ताकि इस लिंक के द्वारा आप शेष आवेदन की प्रक्रिया को आसानी से अवलोकन कर सके। अब बात करेंगे हम योग्यता एवं फीस के संदर्भ में। मेन वेबसाइट पर जैसे हम पहुंचेंगे, पहुंचते हमारे सामने एडमिशन 2020 से 2021 का लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर ईयर 2020 से 2021 वेरियस कोर्सेज 2020 से 2021 वेरियस ऑनलाइन कोर्सेज 2020 से 2021 एलिजिबिलिटी फॉर कोर्सेज सीट पोजीशन सीट मैट्रिक्स एज पर रिजर्वेशन फी स्ट्रक्चर वेरियस कमिटीज एंड कॉन्टैक्ट नंबर कंप्लीट प्रोस्पेक्ट एंड 2020 एंड हॉस्टल प्रोस्पेक्ट 2020 के संदर्भ में हम यहां जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी फॉर कोर्सेज के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा। डाउनलोड पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके हम इस प्रकार आसानी से देख सकते हैं।
प्रवेश योग्यता। आचार्य पूर्वार्ध प्रीवियस सेमेस्टर पद्धति साहित्य धर्मशास्त्र ज्योतिष फलित पुराने इतिहास सामान्य दर्शन रामानंद दर्शन रामानुज दर्शन एवं तुलनात्मक दर्शन में आवेदन करने हेतु जो शैक्षणिक अर्हता योग्यता रखी गई है शास्त्री बीए संस्कृत सहित या तत्समकक्ष यानी समकक्ष संस्कृत परीक्षा उत्तीर्ण। और यहाँ आयु सीमा की अगर हम बात करें तो यहाँ 30 वर्ष अधिकतम गणना का जो आधार रहेगा सत्र 1 जुलाई 2020 से रहेगा। इसी तरह से आचार्य पूर्वार्ध प्रीवियस सेमेस्टर जिसमें वेद व्याकरण ज्योतिष गणित एवं अन्य जो विषय आते हैं उनके लिए शास्त्री परंपरागत तत्समकक्ष तत्समकक्ष परीक्षा संबद्ध परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए यानी समकक्ष जो परीक्षा है वो उत्तीर्ण होना चाहिए। और आयु सीमा की बात करें तो यहाँ 30 वर्ष अधिकतम और आयु की गणना का जो आधार रखा गया है सत्र की 1 जुलाई को यहाँ आधार रखा गया है यानी 1 जुलाई 2020 तक 30 वर्ष आयु अधिकतम जो आयु है यहाँ रखी गई है। तो इस तरह से आचार्य प्रथम वर्ष में जो पाठ्यक्रम उपलब्ध है उनके संदर्भ में भी हम यहाँ जानकारी ले सकते हैं। अब बात करेंगे हम फीस के संदर्भ में। सीट पोजीशन फी स्ट्रक्चर के संदर्भ में हम यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। शुल्क विवरण संयुक्ताचार्य शास्त्री या आचार्य के लिए फीस का निर्धारण यहाँ इस प्रकार किया गया है। तो इस कॉलम को हम देखेंगे टोटल जो फीस है यहाँ टोटल जो फीस निर्धारित की गई है 12,760 रुपये या 13,060 रुपये। आवेदन पत्र शुल्क जो भारतीय छात्र रहेंगे इनके लिए 200 रुपये और जो विदेशी छात्र हैं इनके लिए 1,000 रुपये निर्धारित किए गए हैं। अन्य शुल्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पर त्रैमासिक योग प्रमाण पत्र होगा 8,000 रुपये का, स्थानांतरण शुल्क TC लेते समय 300 रुपये, चरित्र प्रमाण पत्र शुल्क रहेगा यहाँ पर 200 रुपये। संयुक्ताचार्य शास्त्री व आचार्य में प्रविष्ट छात्राओं द्वारा शिक्षण शुल्क दे नहीं है। COVID-19 के कारण राज्य सरकार के निर्देशानुसार इस सत्र में कोई शुल्क वृद्धि नहीं की गई है। तो इसके संदर्भ में हम यहाँ जानकारी आसानी से ले सकते हैं। लगभग सभी पाठ्यक्रमों में जो फीस हैं उनके संदर्भ में हम यहाँ जानकारी आसानी से ले सकते हैं। अब बात करेंगे हम सीट पोजीशन के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार पीडीएफ फाइल का लिंक दिखाई देगा। डाउनलोड पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके हम इस प्रकार आसानी से देख सकते हैं। आचार्य प्रथम वर्ष में सीटों की संख्या का विवरण यहां पर दिया गया है। पचास सीट दी गई है जिसमें हम वेद पुरोहित विज्ञान विभाग ज्योतिष विभाग और यहाँ नव्यकरण विभाग 50-50 जो सीटें निर्धारित की गई हैं। जैन दर्शन में यहाँ 30 सीट है। साहित्य विभाग में यहाँ 50 सीट है। पुराण इतिहास में यहाँ पर 30 सीट है। योग विज्ञान शिक्षा विज्ञान कंप्यूटर PGDCA और शिक्षा विभाग में यहाँ 50 और योग विज्ञान में यहाँ 60 सीटें निर्धारित की गई हैं। तो इस तरह से सीटों का जो ब्यौरा है यहाँ पर दिया गया है आचार्य प्रथम वर्ष में। स्नातक या स्नातकोत्तर कक्षाओं में विषय आरंभ करने हेतु न्यूनतम जो छात्र संख्या है 5 अपेक्षित है। प्रविष्ट छात्रों को प्रवेश फॉर्म में ही अन्य विषय में प्रवेश के लिए विकल्प देना होगा।
तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है इसके संदर्भ में, तो हम सीटों का ब्यौरा भी यहाँ से आसानी से ले सकते हैं। सीट मैट्रिक्स एज पर रिजर्वेशन, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। तो यहाँ हम आसानी से देख सकते हैं कि आचार्य जो प्रथम वर्ष में इनमें सीटों का जो ब्यौरा है वो किस प्रकार किया गया है। तो यहाँ पर हम सीटों के संदर्भ में जो जानकारी है आसानी से ले सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान गणित फलित में आचार्य प्रथम वर्ष में, कैटेगरी वाई जो सीटों का विवरण है वो यहाँ दिया गया है। एससी 16%, एसटी 12%, ओबीसी 21%, एमबीसी 5, ईडब्ल्यूएस के 10% और यहाँ जनरल की सीटों के संदर्भ में हम जानकारी आसानी से ले सकेंगे। इन सभी पीडीएफ फाइलों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है, जहां से आप इन्हें आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ की जा चुकी है। आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए आरबीएससी विथ एचएसएम चैनल के माध्यम से अलग से व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया है, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिल सके, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है, जिसे आप अवश्य ज्वाइन करें। तो फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे आरबीएससी विथ एचएसएम के साथ। जय हिंद, जय भारत।